जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। भाई अगर आपकी मेष राशि है तो आपके लिए ये खुशी की बात है कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अब अपनी उच्च राशि में आ चुका है और वो भी आपके आजीविका के स्थान में, तो निश्चित रूप से बहुत दिनों की प्रतीक्षा आपकी अब समाप्त होने वाली है और आमदनी का नया स्रोत आपको मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आमदनी का कोई न कोई मार्ग अब प्रशस्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। कारोबार में कोई नया साझीदार मिल सकता है, पारिवारिक उलझनों को शांति से सुलझा सकते हैं, थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है और सेहत में थोड़ी सी गिरावट दिख सकती है। व्यर्थ के बाद विवाद से अपने आप को दूर रखें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए आपके व्यय भाव में आय भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके आमदनी के स्थान में राहु है और आपके धन भाव का स्वामी बुध आपके भाग्य स्थान में है। कहने का मतलब पैसे की वृद्धि तो होगी लेकिन उसी के अनुपात में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पर अर्थात ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। पिता के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, व्यर्थ का गुस्सा आपको नुकसान कराएगा। पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मिथुन राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य और मंगल के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है आपके अष्टम भाव में, जिससे एक बात परिलक्षित हो रही है कि आपके आमदनी और खर्च में समन्वय बना रहेगा। किसी बड़े काम में आपको सफलता हासिल हो सकती है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, बाहरी खान पान स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष ना रखें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए अगर आपकी कर्क राशि है तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि चंद्रमा आपका राशि स्वामी जो इस समय धनु राशि में शुक्र के साथ आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी सूर्य जो आपके सप्तम भाव में है, तो ऐसे में कहना ये चाहूँगा कि सूर्य बुध की युति जो है वो आपको शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न दे सकती है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, परिवार में मान सम्मान बढ़ सकता है, मौसमी बीमारियों से आपको बचना चाहिए, अच्छा रहेगा स्वास्थ्य आपका। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें, पीले वस्त्र भगवान गणेश को पहनाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। सिंह राशि से पंचम स्थान में चंद्र शुक्र की स्थिति है, छठे स्थान में सूर्य मंगल बुध और भाग्य स्थान में बृहस्पति। देखिए आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा इस बात का संकेत कर रहा है कि आज किसी धार्मिक कार्य पर आपका धन खर्च होगा और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके स्थानांतरण स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। लंबे समय बाद आपकी अपने लोगों से मुलाकात होगी,
जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसी दूसरे को अपना वाहन नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा या दुर्गा चालीसा का आज पाठ अवश्य करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका ग्रह गोचर ये है कि एक तो आपको पता ही है कि केतु आपके राशि में है, वे रहेगा भी अभी 16 महीने। आपके चतुर्थ भाव में आज चंद्रमा शुक्र की स्थिति है और पंचम भाव में संतान भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति है, तो बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च होगा और नौकरी में तरक्की मिलेगी, परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, उधार के लेन देन से खुद को बचाएं, तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय धनु राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और आपके सुख स्थान में सूर्य मंगल बुध की स्थिति है, आपके संतान भाव में शनिदेव विराजमान है, जिससे एक बात तो कन्फर्म हो रही है कि कोई पैतृक संपत्ति यदि विवादित है तो उसके मिलने का योग बन रहा है। आप चाहें तो किसी नई नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परिवार में आपके सुख शांति बढ़ेगी, लेकिन लापरवाही करने पर चोट चपेट लग सकती है, इसलिए सतर्कता आवश्यक है। किसी ऊंचाई वाली जगह पर या जहां बर्फ पड़ती हो ऐसी जगह पर जाने से आज आपको बचना चाहिए और आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि का ग्रह गोचर यही कह रहा है कि आपके धन भाव में चंद्र शुक्र और आपके पराक्रम भाव में सूर्य मंगल बुध और आपके सुख भाव में शनि और आपके संतान भाव में राहु, किसी पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है, लेकिन नया पैसा कहीं फंसाने की कोशिश न करें। और अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में अपना काम आप समय पर निपटा लें। यदि आप विवाह योग्य हैं तो नया रिश्ता आ सकता है, विवाह का योग बन सकता है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं, माता पिता से बहस बिल्कुल ना करें, सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके उसे शनि मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तो धनु राशि में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति है भैया, और धनु राशि का स्वामी इस समय मेष राशि में है और अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल आपके धन भाव में जो बैठा हुआ है वो इस बात का संकेत कर रहा है, कहीं न कहीं से इशारा कर रहा है कि आज आप दिल खोलकर शॉपिंग पर पैसा खर्च करेंगे। और एक बात बताऊं, हाँ, दशम भाव में जो आपके केतु है आप अपने किसी सीनियर से मतभेद कर सकते हैं जो आपके लिए शायद मेरे मन से उचित नहीं होगा। हाँ, आपको अपने बच्चों से शुभ समाचार जरूर मिलेगा, पिता की सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। किसी भी काम में आलस्य बिल्कुल ना करें, सुगंधित फूल अपने घर में रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन।
देखिए मकर राशि में इस समय उच्च का मंगल है, सूर्य भी साथ में है, बुध भी साथ में है, लेकिन मजे की बात है कि मंगल अस्त नहीं है। इसका मतलब आपके व्यय भाव में जो शुक्र और चंद्रमा हैं, अगर आज आप नए शेयर में, नए कमोडिटी में पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शुक्र था तो ठीक था, अब चंद्रमा भी वहीं मिल गया है, तो इसका मतलब धनहानि का संकेत है, इसलिए आज निवेश न करें। हाँ, आपका मकर राशि है और आपके गमन स्थान का स्वामी बुध चूंकि आपकी राशि में है, इसलिए काम से जुड़ी कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, करना भी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है, दिन भर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुँचाएँ, पेड़ पौधों को पानी दें। शुभंक आपके लिए 3 होगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि देव की स्थिति आपके राशि में है और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, ऐसे में शनि शुक्र तृतीय एकादश है, तो किसी प्रॉपर्टी डील से धन लाभ मोटा हो सकता है आपको। ऑफिस में अधिकारियों से बहस बिल्कुल ना करें, दाम्पत्य जीवन में आपके खुशियाँ रहेंगी। बच्चों का स्वास्थ्य संभालने की कोशिश करें, उन्हें सीजनल बीमारी हो सकती है, आपकी जिद आपका नुकसान करा सकती है, इसलिए आज आप जिद न करें, बहस न करें, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। शुभंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है और आपके धन भाव में बृहस्पति है, ऐसे में नए कारोबार में ज़्यादा निवेश से बचिए भाई। ऑफिस में सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, घर में मेहमान भी आ सकते हैं। शुगर के रोगी अगर आप हैं तो आप अपना स्वास्थ्य विशेष रूप से ध्यान में रखें, किसी दूसरे के काम में रुकावट न डालें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय माँ विंध्यवासिनी।